सब्जेक्ट के हवाले से हमारे पास मैथमेटिक्स में सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 5 है, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके ऊपर हम सेकंड लेक्चर आसम करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोड्यूसिंग लीनियर प्रोग्रामिंग और सेकंड जो चीज होगी दैट इज प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। अब जिस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक फर्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं जो कि जी ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू, ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी, एंड ऑप्शन नंबर ए इज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द फंक्शन, ठीक है, सबसेट और प्रॉपर सेट मॉडलिंग, रो और कॉलम मॉडलिंग और एडजेसेंट मॉडलिंग। अब अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग को देखें, अगर मैं आपको जस्ट एज इन केस एन एग्जांपल बताऊं जैसे काइंड ऑफ रिवीजन, ठीक है, तो गेट एन आइडिया कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये वाई एक्सिस है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, लेट्स से वो फंक्शन ऑब्वियसली इट शुड बी अ लीनियर फंक्शन, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें, लीनियर मीन कि ऐसा फंक्शन जिसमें फंक्शन की जो डिग्री होगी दैट विल बी वन, ठीक है। अब मेरे पास एक 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 फंक्शन है और उसकी मैं इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, उसको मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसको मैं ग्राफ करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आई ग्राफ इट इन दैट, ठीक है, ये मेरे पास उसका एक ग्राफ बनेगा, ये कोई भी एक इक्वेशन है, यू नो, ठीक है। अब इसकी कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी, कॉन्स्ट्रेंट मीन लिमिटेशन, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जी कि एक कॉन्स्ट्रेंट लाइक कुछ कुछ यू हो सकता है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, जरा कॉन्स्ट्रेंट भी लीनियर होते हैं, एक कॉन्स्ट्रेंट ये है, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है, ये कॉन्स्ट्रेंट। अब इसमें और सेकंड कुड बी कि एक्स कुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड वाई कुड बी ग्रेटर देन जीरो, अगर एक्स फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स को, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मशीन्स को, तो इस केस में हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि नंबर ऑफ मशीन जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो नेगेटिव नहीं है, नंबर ऑफ वर्कर्स नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब है जो जो सॉल्यूशन सेट होगा इस इनइक्वालिटी का या इस इन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज का, सेट ऑफ इनइक्वालिटीज का, इनइक्वालिटीज का वो कहीं इस रीजन में लाइक कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूशन सेट हमारा इक्वेशन का इस रीजन के अंदर आ रहा है, यानी ये दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन, दोनों इनइक्वालिटीज का ये ओवरलैपिंग रीजन है, तो इसका मतलब है कि अगर x is greater than y and also y is greater, x is greater than 0 and y is greater than 0, तो इस केस में फिर obviously बात है कि हमारा जो रीजन होगा वो कुछ ये वाला रीजन होगा। अगर मैं जिसको मैं हाईलाइट कर दूं, ठीक है, तो इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली वो ये वाला रीजन होगा, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर जिसे हमें कोई x की कोई वैल्यू पिक करनी होगी, y की कोई वैल्यू पिक करनी होगी, जहां पे ये फंक्शन गिवन फंक्शन में भी maybe a given function is f of x, ठीक है, और जो कि है a x, ठीक है, plus b y, you know, in two variables, linear function in two variables, a x plus b y, ये कोई function है, और ये हमें कोई हमें find out करना है कि ये कहाँ पे maximum या कहाँ पे minimum value देता है, that's linear programming is all about, कि हमारे पास जो optimal solution है, optimal का मतलब है जो possible solution, जो हमारे पास choices है, ठीक है, जो हमारे पास बाउंड्रीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और फॉर सम रीजंस वी नो कि जो फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा वो इन चारों में से किसी एक पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है ए जो कि एक ऑर्डर पेयर की सूरत में गिवन होगा एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट है बी जो कि है एक्स वन कॉमा वाई वन, यानी और ये मेरे पास डी है जिसको मैं एक्स थ्री वाई थ्री कह दूं। सो बेसिकली इस तमाम सिचुएशन के अंदर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा एक्स एंड वाई है जिसमें ये फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू देगा इस रीजन के अंदर तमाम गिवन पॉइंट्स में से, या इस फंक्शन इस वैल्यू के ऊपर हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा, सबसे छोटी वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग जो है उसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ये जो है इसके अलावा भी हमारे पास होंगे, दोज विल बी कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है
वो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे या मिनिमम वैल्यू दे, इसका मतलब है ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन. ये दिस इज अमंग द दिस इज वन ऑफ द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो इसका मतलब आई विल पिक आई विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, सो ए इज माय आंसर. अब सेकंड है जी सब मतलब सबसेट और प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सेट मॉडलिंग नो. ठीक है, रो और कॉलम मॉडलिंग नो, हम यहाँ पे मॉडल नहीं कर रहे. ठीक है, या एडजेसेंट मॉडलिंग नो, हम यहाँ पे इस तरह से चीजें नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि फंक्शन हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब देता है. इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एमसीक्यू मौजूद है. फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशंस कन्वेक्स सेट ऑफ इक्वेशंस इज इंक्लूडेड इन रीजन ऑफ डैश, आई मीन विजिबल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, मैं कोई और कलर पिक करता हूँ. ऑप्शन नंबर ए इज विजिबल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज डिस्पोज सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज प्रॉपर सॉल्यूशन और ऑप्शन डी इज लॉस सॉल्यूशन. सो अगेन वो हमारे पास देखें जो कन्वेक्स सेट ऑफ इक्वेशंस है. ठीक है, विच मीन्स के हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस, और इस केस में अगर आप देखें तो दिस इज माई ओरिजिन. तो कन्वेक्स जो हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, वो बेसिकली बाउंडेड रीजन होता है जिसके अंदर हमारे पास जो कि आप यूं कह सकते हैं जो कि सेट ऑफ इक्वेशंस का सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जिसमें जो कि सॉल्यूशन सेट होता है, दैट्स बेसिकली सेट ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जी, क्वेश्चन है फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन कन्वेक्स सेट ऑफ इक्वेशंस इज इंक्लूडेड इन रीजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस, disposed solutions, profit solution, loss solution. Profit and loss तो obviously this is one thing. Profit या loss is one thing. यानी ये specific है. Specific mean कि हम तो general बात कर रहे हैं. Specific तो नहीं हो सकता because हम function के maximum को find out करते हैं या function का उस value पे जहाँ पे function maximum value देता है या minimum value देता है from the set of convex जो हमारे पास order pairs है. यानी जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल यू नो ये मेरे पास एक फंक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया. ठीक है, एक अनदर कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन ये है. ठीक है, अब उस केस में अगर आप देखें तो दीज आर दी बाउंड्रीज ऑफ दी. अब मैं कहता हूँ कि दिस इज द रीजन. ठीक है, जो कि मेरे पास जो है वो कन्वेक्स सेट ऑफ इक्वेजन से आता है. ठीक है, यानी ये मेरे पास कन्वेक्स सेट ऑफ इक्वेजन है. ये किस रीजन के अंदर लाई कर रहा होगा, डेफिनेटली फिजिबल सॉल्यूशंस के अंदर लाई कर रहा होगा बिकॉज़ ये दीज द पॉसिबल सॉल्यूशंस. सो माय ऑप्शन वुड बी डेफिनेटली ए बिकॉज़ डिस्पोज सॉल्यूशंस नो. ठीक है, प्रॉफिट सॉल्यूशन, प्रॉफिट इज अ स्पेसिफिक थिंग. लेट्स से हम कहते हैं जी प्रॉफिट, अगर ये फंक्शन प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहा है तो वेयर इज दैट वैल्यू जहां पे फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, ये मे बी कोई वैल्यू भी ना हो जहां यानी कोई इसमें सेट ऑफ इक्वेशन में हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हो लेकिन कोई ऐसा वैल्यू ना हो जहां पे फंक्शन हमें प्रॉफिट दे रहा हो, मे बी लॉस दे रहा हो. तो इसलिए वी कैन नॉट से अबाउट वी आर नॉट श्योर अबाउट सी डी और बी. सो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी ए व्हिच इज द फिजिबल सॉल्यूशंस. इसी तरह से अगर हम कुछ और एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं व्हिच इज थर्ड वन इन लीनियर प्रोग्रामिंग objective function and objective constraints are solved. This option A is solved, B is linear, C is quadratic and D is adjacent. Ab we also know this thing ke jo hamare paas linear programming ke andar tamam chuke dekhen why we call it linear because isme hamare paas straight lines aati hai. For example every of the function which is given. अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि अंडर कंसिडरेशन होता है, जिसको हमने टेस्ट करना होता है कि ये फंक्शन जो है वो किस यू नो वैल्यू के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देता है. ठीक है, किस यानी सॉल्यूशन सेट के अंदर किस पॉइंट के ऊपर हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा और किस पॉइंट के ऊपर हमें मिनिमम वैल्यू देगा. इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है ये लीनियर होने चाहिए, कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे पास लीनियर होने चाहिए, क्योंकि जब आप कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि सॉल्यूशन हमने स्टार्ट में बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि जो इनइक्वालिटीज होती हैं, इनइक्वालिटीज के अंदर सॉल्यूशन सेट इज द रीजन. फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो दैट रीजन कुड बी यू नो
left one or right one, या above this line या below this line, तो वो एक region होगा. अब उस region के ऊपर आप constraints apply करते हैं, those constraints has to be linear. For example, एक constraint ये है, ठीक है? और आपने ये भी apply कर ली कि the things has to be, you know, x should be greater than y, x should be greater than 0, यानी x भी positive हो, y भी positive हो. अब अगर आप देखें तो ये भी straight line है, ये भी straight lines हैं. तो hence proved के हमारे पास जो objective function है, वो भी linear होना चाहिए, objective constraint जो है, वो भी linear होनी चाहिए. It cannot be quadratic, adjacent, no mean, ठीक है, linear, solved, no way. So best option is B, which is linear. अब question है जी, at what point z equal, this is the subject function, ठीक है, हमने find out करना जी, at what point z equals 2x plus y subject to the constraints, x plus y is greater or equal to 3, 7x plus 5y is less or equal to 35, ठीक है, and x is greater or equal to 0, y is greater or equal to 0, gives minimum value, अब ये थोड़ा सा आपको calculations करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है, why, because देखें अगर तो graph हो तो हम graph को देख के कोई we could have come up with a shortcut. इसके अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि as possible as, यानी जितने कम time में हम इसको कर सकते हैं हम इसको करें, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं जी कि हमारे पास चार options हैं, चार option में से किस option के ऊपर ये function जो है वो minimum value देता है. एक rough thought could be कि चलें जी आप सोचें, आप इस value को इसमें put करें, इसको b को put करें, c को put करें, d को put करें, और हम जो है वो ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं कि अच्छा जी z किसके ऊपर हमें मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि क्या ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के बाउंड्रीज हैं या ऑप्टिमल रीजन की जो बाउंड्रीज हैं, वी आर नॉट श्योर, ठीक है, तो उसके लिए वी हैव टू डू, हमें थोड़ी सी प्लॉटिंग करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉन्स्ट्रेंट्स के ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट सपोज अगर मेरे पास, और ये मुझे क्विकली करना है, क्विकली आई कैन डू दैट, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करूँ और कॉन्स्ट्रेंट्स पे आ जाऊँ, ठीक है, दिस इज माय वाई एक्सिस, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो जी दिस इज माय वाई एक्सिस और ये मेरे पास जो है दिस इज माय एक्स एक्सिस, और इसके अंदर द फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 3, इसकी क्रॉसकॉन्डेंस इक्वेशन क्या होगी, या बाउंड्री लाइन जो हमने फाइंड आउट करनी है उस रीजन की जिसमें सॉल्यूशन सेट इसका लाई करता होगा, दैट्स कॉल्ड क्रॉसकॉन्डेंस इक्वेशन. तो x plus y is equal to 3, सो फॉर x plus y is equal to 3, इसमें अगर मैं x पुट 0 पुट करता हूं y 3 हो जाता है, when x is 0 y is 3, 1 2 and 3, ठीक है, which is 0 3 0 3, and when x is let's say हमारे पास y जब 0 हो जाए तो फिर x 3 हो जाता है, ठीक है, तो because अगर आप इसमें y 0 put करेंगे तो x 3 हो जाएगा, that means कि x is also 3 when y is equal to 0, मैं यहाँ पे put करता हूँ, for example यहाँ पे आगे, ठीक है, हमें सिर्फ एक graph से एक idea चाहिए, और यहाँ पे मैंने इस line को, अब चूंकि ये greater or equal to, तो मैं एक solid line plot करूँगा यहाँ पे, solid line, ठीक है, so this is my solid line, चले जी. अब इसका सॉल्यूशन सेट कहाँ पे लाई करता होगा, अगर आप 0 0 पॉइंट ले लें, 0 0 इसमें पुट कर दें, 0 प्लस 0, ठीक है, 0 प्लस 0, और दैट शुड बी, दैट इज ग्रेटर देन 3, नो दैट इज नॉट ग्रेटर देन, इसका मतलब है ये रीजन होगा, अपर रीजन, ठीक है, अपर रीजन इसका सॉल्यूशन सेट होगा. चले फॉर द सेकेंड इक्वेशन अगेन आई प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, मतलब रफ सा एक स्केच ड्रॉ करता हूँ, विच इज अगर मैं एक्स को 0 पुट करता हूँ तो वाई, एस बिकॉज अगर एक्स 0 पुट करूंगा तो वाई देखिए, अगर मैं एक्स 0 पुट किया, ये आपने बहुत जल्दी ब्रेन में करना है, ठीक है, यू डोंट हैव टू डू लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, 5 इधर आके डिवाइड होगा, 7 5 7 जब 35 तो 0 7, व्हेन एक्स इज 0 वाई 7, व्हेन एक्स इज 0 वाई 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मे बी यहां पे, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं अपने वाई एक्सिस को तो वो यहां पे होगा, व्हिच इज एक्स 0 एंड वाई 7, और अगर मैं y 0 पुट कर दूं तो x 5 हो जाएगा, अभी अगर x 5 है 3 4 एंड 5 ये पॉइंट है, व्हेन x इज 5 y इज 0, ठीक है, और मैं यहां से इसको कनेक्ट करूंगा कुछ इस तरह से,
अगर आप देखें कुछ ही, ठीक है। अब इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ, लेट्स ट्राई दिस नंबर विच इज द ओरिजिन, ठीक है, जीरो जीरो। अगर मैंने एक्स भी जीरो पुट किया, वाई भी जीरो पुट किया, तो डेफिनेटली जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो इज स्मॉलर देन 35, इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो बेसिकली ई वाला रीजन होगा। अब विच इज द ओवरलैप्ड रीजन, ओवरलैप्ड रीजन तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इन बिटवीन दीज टू लाइन्स आ रहे हैं, इन बिटवीन दीज टू लाइन्स, यानी जो सेंटर वाला ये रीजन है, दिस इज द ओवरलैप रीजन। बट द पॉइंट इज के हमारे पास फर्दर कंडीशंस भी है। व्हाट आर दोस कंडीशंस? वो ये है जी, एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, वाई शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो, यानी ना एक्स नेगेटिव हो सकता है ना वाई नेगेटिव हो सकता है, तो वो तो डेफिनेटली इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो है तो देन आई कैन कम अप विद समथिंग, मैं जिस चीज को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ सामने, वो ये है जी कि हमारा जो सोल्यूशन, जो हमारा फिजिकल रीजन है, ठीक है, वो ये वाला रीजन होगा, ठीक है। ओवरलैप भी हो, आई मीन दोनों का ओवरलैप्ड है, और जिसमें एक्स एंड वाई दोनों जो है वो पॉजिटिव है। अब अगर आप देखें इस केस में, तो व्हाट आर द बाउंड्री द एजेस, इसके सिक्स वर्टिसेस, इसके सॉरी फोर वर्टिसेस है, 1 2 3 4, ठीक है। अभी जो सेकेंड वर्टेक्स है ये क्या है, 3 0 3 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 5 0, उसके बाद है 0 7, उसके बाद है 0 3। अब इस केस में अगर गिवन जो पॉइंट्स हैं, देखें अब वो कह रहा है गिवन जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर हम देखते हैं जी कि हमारे पास 3 4 तो कोई बाउंड्री पॉइंट है ही नहीं, लिहाजा ये तो ऑप्शन ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। 0 7, यस 0 7 इज देयर, 0 3 इज देयर, बिल्कुल 0 3 भी है, और 0 5 नहीं है, 5 0, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। सो लिहाजा ए और डी तो वैसे एलिमिनेट हो गया, अब बी और सी में से देयर कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन। अब अगर आप इसमें पुट करते हैं गिवन फंक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर मैं गिवन फंक्शन में वापस एक्स जगह 0 पुट करूं, ठीक है, 2 × 0, और वाई की जगह 3 पुट करूं, तो 0 + 3 इज गोना बी 3, यानी इसके लिए आंसर आता है 3 इस सब्जेक्ट फंक्शन का, ठीक है। और अगर मैं सेकंड के लिए ट्राई करता हूं, लेट्स से यू नो 0 7 के लिए, अगर मैं एक्स 0 पुट करता हूं, वाई 7 पुट करता हूं, तो वो 7 आएगा, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, मिनिमम वैल्यू, एट व्हाट पॉइंट द फंक्शन गिव्स द मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब अगर देखें यू, आपको लगा कि हमारा इस पे बहुत टाइम लगा है, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको यू नो सिंपली करते हैं देन देयर इज नो इशू। बट समटाइम्स मैं आपको एक बगैर एमसीक्यूज दिए एक सिचुएशन बता देता हूँ कि समटाइम अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह की एग्जांपल ही, इस तरह की चार ऑप्शंस हो, चार डायग्राम्स आपको नजर आ रही हो, एंड यू हैव टू पिक अप, यू हैव टू पिक अप जी हमारे पास उसमें कौन सा किस फंक्शन पे, किस वैल्यू पे, कि किस बाउंड्री, किस बाउंड्री वैल्यू के ऊपर, बाउंड्री के पॉइंट के ऊपर, या कन जो वर्टिसेस के ऊपर फंक्शन, वो जो सब्जेक्ट फंक्शन होगा, ठीक है, विच इज लाइक यू नो, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इस केस में 2x + y था, वो जो सब्जेक्ट फंक्शन होगा मिनिमम या मैक्सिमम वाली देगा। तो अगर तो सिचुएशन आ गई आपके पास इस तरह के पॉइंट्स आपके पास मौजूद है, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इन चारों पॉइंट्स को बारी बारी इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे जिस वैल्यू के लिए, मे बी ए, मे बी बी, मे बी सी, या मे बी डी, कि जिस भी वैल्यू के लिए फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, यानी इसमें सॉल्व करने पे जवाब मैक्सिमम आएगा वो आपका, वो बेसिकली पॉइंट आंसर होगा। अगर मिनिमम पूछा जा रहा है तो जिस केस में मिनिमम आएगा आपके पास वही आंसर होगा, लेकिन अगर वो गिवन नहीं है तो फिर भी आप बहुत क्विकली क्विकली कर सकते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट दोज पॉइंट्स जो कि उसका पार्ट है ही नहीं है, अगर है तो फिर आपको सारे पॉइंट्स को बारी बारी टेस्ट करना पड़ेगा, ट्राई ऑन करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को या फंक्शन को मैक्सिमम, यानी जो सब्जेक्ट फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सम टाइम क्वेश्चन वुड बी कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं जी गिवन फंक्शन ये है, ठीक है, एंड दीज आर द सेट ऑफ पॉइंट्स, आई मीन बाउंड्री ऑफ द पॉइंट, बाउंड्रीज हैं ये, तो आप ये बताएं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, नॉट दैट पॉइंट के जहां पे वैल्यू मैक्सिमम दे रहा है, बल्कि वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या। फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं यूं कर लूं, एट व्हाट पॉइंट z इज इक्वल टू 2x + y इज मैक्सिमम, व्हाट दैट मैक्सिमम वैल्यू वुड बी, या व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स। तो उस केस में मुझे वो जो
मेरे पास वर्टिसेस आएंगे, उन चारों वर्टिसेस को या जितने भी वर्टिसेस होंगे उन वर्टिसेस को मैं पुट करूंगा इस गिवन इक्वेशन के अंदर और वन बाय वन मैं सॉल्व करूंगा और जो वैल्यू मेरे पास सबसे स्मॉलर आएगी वो वैल्यू बेसिकली मेरे पास आंसर होगा, बिकॉज चारों ऑप्शन में वो वैल्यू आंसर होगा। या अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी दैट विल बी माई आंसर।